कीमत उन्होंने अपनी कीमती जान देकर दी है। अगर इसी तरीके से पीएमएलएन यह कह रही है कि जी सी पैक तो पूरा किसान के बच्चे बच्चे को पता है कि जिसने दौरे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने चाइना जाके किए सी पैक के लिए, चाइना के लिए, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए, और उस पर फिर एक अजीम मंसूबा सी पैक बनाया जाए, वो क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जाता है। मैं कल इनके सोशल मीडिया पर एक चीज देख रहा था, थर कोल को भी अपने खाते में डाल के बैठे हुए। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने थरकोल का प्रोजेक्ट शुरू किया। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता कि उसको बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने उस प्रोजेक्ट को बंद किया, यह कहकर कि नहीं सिंध में प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए और यह प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता कि फिर जब दोबारा पीपुल्स पार्टी हुकूमत आई और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर बने तो उन्होंने फिर थरकोल के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करवाया। उस वक्त सैयद कायम अली शाह साहब, फिर सैयद मुराद अली शाह साहब, इन सब ने जो है उस प्रोजेक्ट में एज ए टीम बनकर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब के और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की उस प्रोजेक्ट को बनाया कि जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह आज वहां से कोयला निकाल रहे हैं हजारों टन, और अब इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट जब आगे एक्सपेडाइट होगा तो अब 200 साल तक कोयला एक्सपोर्ट करने की पोजिशन में पाकिस्तान है। जिस सूबे को आप पसंद तक नहीं करते थे, जिस सूबे में आप लोग कभी आते भी नहीं थे, अब उसके प्रोजेक्ट का भी क्रेडिट आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपने किया है, जो दो चार सड़कें अपने घरों में अपने मोहल्लों में बनाई है, आप उसको भले तशहीर करें, लेकिन जो काम आपने नहीं किए उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहिए आपको। बड़े अफसोस की बात है कि आप पराए कामों के भी क्रेडिट खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं पहले भी कह चुका हूं, खुदा का शुक्र है आपने ये क्रेडिट नहीं लिया कि पाकिस्तान भी आपने आजाद करवाया था, जो कि सीरियसली इलेक्शन मोड में है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज से एक माह पहले से ही इलेक्शन मोड में है। पीटीआई और पीएमएलएन इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे थे। पीटीआई ने मुख्तलिफ कोर्टों के राबते किए कि इलेक्शन डिले हों। पीएमएलएन आज दिन तक उस सख्ते से नहीं निकल पाए ये लोग। जो पंजाब की आवाम का रेस्पॉन्स है, आज दिन तक पीएमएलएन एक सख्ते में है, एक परेशानी में है कि जी इस वक्त हो क्या रहा है, वो भी इस वक्त इलेक्शन के मोड में नहीं जा पा रहे हैं। तो वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पुरानी तर्ज शासन को का खात्मा चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़े की शासन